गाइस होली 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 आज सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ मेरे सभी भाई बढ़िया होंगे, सभी भाई होली मना रहे होंगे और सभी भाई आज का दिन एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि आज का दिन स्पेशल, इतना बहुत ज्यादा स्पेशल है आप सभी लोगों के लिए। तो दोस्तों, आज तुम्हारे भाई के दिमाग में भी एक खुराफाती आइडिया आया कि मैंने सोचा यार हम लोग आपस में होली खेलते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं, क्यों ना आज हम अपने कबूतरों को रंग आ जाए, थोड़ा सा रंग लगाया जाए। क्योंकि आज तक मैंने वीडियो ऐसी कोई भी नहीं बनाई है जो अपने चैनल पे मैंने कबूतरों को रंगा हो, ठीक है, कबूतर के रंग लगाया हो। तो मैंने सोचा आज का दिन बहुत ज्यादा स्पेशल है, तो आज के दिन अपने कबूतरों को भी रंग लगाया जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले यार एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, जब तक आप लोग ये वाली वीडियो देखोगे ना, तब तक हमारे 10K फॉलोवर्स पूरे हो जाएंगे YouTube पे, ठीक है। तो उसके लिए बहुत आपके लिए शुक्रिया, जो आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया, इतना सपोर्ट किया अपने भाई को। तो ऐसे ही अपने प्यार बनाए रखना और सपोर्ट करे रखना अपने भाई को, और आपका मैं क्या कहूँ, तह दिल से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए बिना बकवास के जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो शुरू करने से पहले अगर थोड़ा सा यार एक लाइक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, एक लाइक कर देना इस वीडियो पे, ठीक है, और इस वीडियो को एक तरह से वायरल कर देना, मजा आ जाएगा, ठीक है, एक लाइक कर देना। और चैनल में नया आया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना, और नोटिफिकेशन का अगर बेल का ऑन करने की इच्छा हो तो कर लेना, वरना कोई बात नहीं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलो यार वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई हम लोग देखो नप्ता कबूतर ले आए हैं, ये सफेद पपटेट तो नहीं है फिलहाल, मैं कह दूं आपको पहले ही, ठीक है, ये हमारा नप्ता कबूतर है। ये रेखते का आपको बच्चा देखा होगा आपने, ठीक है, जंगली से निकला था, ठीक है, इसको हम लोगों ने जंगली कबूतरों से निकलवाया था, उसका ये बच्चा अब हमारे पास है। तो भाई इसको हम लोग रंग लगाएंगे, ठीक है, तो आप लोग देखना। सबसे मैं पहली बार बता दूं भाई, पहली बार मैं अपने कबूतरों को रंग लगा रहा हूं, आज तक मैंने अपने कबूतरों को रंग नहीं लगाया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो सबसे पहले पहली बार मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो हम लोग पहली बार करने वाले हैं। तो उसके लिए हम लोग देखो भाई, सबसे पहले तो हम लोग ले आए हैं रंग थोड़ा सा, और उसके साथ थोड़ी सी ईयरबड जो फुरफुरी होती है कान की, ठीक है, वो ले आए हैं। और ये हमारा है पानी, और ये है हमारा कबूतर। अब आप लोगों को एक चीज़ याद आ रही होगी, ये हमारी वैन है, ये हमारी पार्टी हो रही है, ठीक है, गजब बेइज्जती है वाला काम नहीं हमारे पास, ठीक है। तो हम लोग उसको जल्दी से यार रंग लगाते हैं, तो जल्दी से रंग बना लेते हैं हम लोग, आपके सामने ही जो करूंगा वो आपके सामने करूंगा, ठीक है। तो भाई ये देखो, ये हमारा रंग है, ठीक है, तो कटोरे में थोड़ा सा रंग ले लेते हैं पहले से आपके सामने, ठीक है। ये रंग वो वाला आप लोग सोच रहे हो कि रंगोली वाला रंग है, वो वाला रंग नहीं है, ठीक है। जो लोग होली में खेलते हैं ना, जिस रंग से, जिस देखो मेरे हाथ में जो रंग लगा हुआ है ये आप देख रहे हो, ठीक है, वही रंग है ये बिल्कुल, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा इसको खोल लेते हैं, ज़्यादा पानी नहीं मिलाएंगे, बस इतना रंग तो काफ़ी है, ठीक है, काफ़ी ना, है ना, सही है। चलो छोटा भाई भी देखो कह रहा है कि काफ़ी रंग है, ठीक है, तो अच्छा लगेगा। तो ये थोड़ा सा बैगनी टाइप का भी दिख रहा है, थोड़ा सा पानी और अगर मिलाएंगे हम लोग तो ये थोड़ा सा और हो जाएगा पिंक टाइप का, ठीक है। तो ये हो गया भाई, ये मिल गया रंग। अब जो हम फुरफुरी लेंगे, हमेशा याद रखना भाई, अगर आप लोग अपने कबूतर को रंग लगा रहे हो, ठीक है, लगाने की कोशिश कर रहे हो, सोच रहे हो बाजी में लड़ाने के और रंग लगा रहे हो, तो कुछ लोग स्प्रे से लगाते हैं, ठीक है, और कुछ लोग क्या करते हैं कि हाथ से मल देते हैं। हाथ से मलने में ना कबूतर के यार पूरा छींचे ले जाता है, सफ़ेद कबूतर में ना हर जगह रंग लग जाता है, तो वो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो फुरफुरी का यार बहुत अच्छा यूज़ है, ठीक है, इसको आराम से डुबो लो, 3-4 ले लो आराम से हाथ में, और इसको इस तरीके से डुबो के, ये इस तरीके से डुबो लो और अपने कबूतर के लगाते रहना फिर, ठीक है। अच्छा भाई देखो, वापिस हम लोग कोई कबूतर ले आए हैं, ठीक है, इसके हम लोग दुम पे लगाते हैं, क्योंकि मैं पर पे इसलिए नहीं लगाता हूँ कि पर पे कबूतर अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि काबली कबूतर तो है नहीं जो अच्छा लगेगा, ठीक है, इसलिए हम लोग इसके दुम पे लगाएंगे, और दुम पे आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। लोग कहते हैं कि आगे की तरफ नहीं लगाते हैं, बिल्कुल सही कहते हैं, ठीक है, क्योंकि आगे की तरफ कबूतर अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, जब कबूतर उड़ता है तो पीछे की तरफ ही का हिस्सा दिखता है, तो इसलिए हम लोग पीछे की तरफ लगाएंगे। तो कबूतर को इस तरीके से मैं थोड़ा सा पलटा लेता हूँ, ये हो गया भाई, कबूतर पलट गया, ठीक है। अब यहीं पर हम लोग रंग लगाएंगे, ठीक है, ये फिलहाल तो बैगनी रंग हो गया, ठीक है, था वैसे पिंक, मगर इसका धीरे धीरे कलर बैगनी से हमारा पिंक आ जाएगा, तो इसलिए हम इसको कलर लगाते हैं, ठीक है। ज़्यादा मैं कलर नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा इतना रंगीन हम लोग कबूतर पसंद भी नहीं है, ये इतना कलर लगाओ, ठीक है, ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। बाजी की बात अलग होती है, ये दूर से कबूतर देखने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, ये दिख जाता है कबूतर, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ ऐसे ही लगा रहे हैं,
और उसके चारों सब पूरी दुम पे लगा देंगे तो अच्छा लगेगा कबूतर। ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा इससे कर लेते हैं, अब सही है। थोड़ा पानी की मात्रा ना कम है लग रहा है ना, थोड़ा सा पानी और मिला लेते हैं। इसमें पता नहीं क्यों बैगनी जैसा बनना है, मगर इसका रंग आ जाएगा। ठीक है, ये हम लोगों ने देखो भाई रंग लगा दिया बिल्कुल अच्छे से। ज्यादा नहीं लगाएंगे, बस इतना बहुत है। अब सारी दुम पे दिख रहा है क्यों ना, सब में दिख रहा है कि नहीं? हाँ भाई। ठीक है, और धूप दे सकते हो भाई, कितनी ज्यादा हो रही है, मगर कोई नहीं, आप लोगों के लिए कुछ भी। ठीक है, तो ये देखो भाई हमने पूरा अच्छे से रंग लगा दिया कबूतर, देख लो भाई। ठीक है, इसके चारों दुम पे सब में लग गया है, मैं भी लगा देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, और इधर से भी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ये कबूतर के रंग लग गया है और कबूतर मस्त लग रहा है अब। ठीक है, तो अब इसको कबूतर को अंदर छोड़ेंगे, अंदर क्या छोड़ेंगे, अब आपको दिखा दिए मैंने इस तरीके से रंग लगा दिया। ये देखो भाई कबूतर, आपको कैमरे में दिख रहा होगा, उसको रख देते किनारे। इसके पर में नहीं लगाया मैंने, ठीक है, सिर्फ दुम पे लगाया है, दुम पे अच्छा लग रहा है। ठीक है, जब ये उड़ेगा ना तो और अच्छा लगेगा। ठीक है, अभी जब शाम को खोलेंगे तब उड़ाएंगे, उससे पहले आप लोगों के पास वीडियो पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ये देखो भाई हम लोगों ने लगा दिया, इसको जाल के अंदर छोड़ देते हैं। तो भाई ये देखो लगा दिया रंग, कबूतर को बाहर तक छोड़ते हैं, और ये देखो भाई अच्छा लग रहा है। ठीक है, हल्का हल्का सा दिख रहा है और कबूतर बहुत अच्छा लग रहा है, जब उड़ेगा ना तो और अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग भी रंग लगा सकते हो। ठीक है, मेरा सबसे फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस था, तो मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा लगाया है। ठीक है, अभी थोड़ा सा बैगनी रंग आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब आप एक दो दिन बाद देखोगे ना तो बैगनी से पाइए पिंक हो जाएगा अपने आप। ठीक है, जब इसमें थोड़ा सा पानी आने पड़ेगा ना तो अपने आप पिंक हो जाएगा, तो कबूतर और अच्छा लगेगा। तो आई होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना। ठीक है, और अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना, और नोटिफिकेशन का बेल भी ऑन कर देना। और हाँ, अपने भाई की इंस्टाग्राम की, तुम्हारे भाई की आईडी आ रही है देखो भाई। ठीक है, जाकर मेरे को फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। चलिए, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।